तरुण यादव आज का हीरो है और 720 में से 715 मार्क्स, और किस प्रकार इसने साल भर या 11th और 12th के साथ क्या मेहनत की, क्या CLC का रूटीन रहा, किस प्रकार इसको तैयार किया, तो मैं आप तरुण के मुंह से सुनेगा। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को जो आप लोग मेरे सम्मान समारोह में पधारे हैं, धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम तरुण यादव है, मैं दुबेड़ा शहर का रहने वाला हूँ। और शुरुआत से ही बात शुरू कर लेते हैं, मेरा जो बचपन है वो यहीं बीता है। मैंने अपनी 10th तक की जो क्लासेस हैं वो सेंट जेवियर स्कूल बह रोड से कंप्लीट की है। 10th तक आते आते ये तो बिलीव हो गया था कि नीट जैसे कंपटीशन को फाइट करने के लिए मेरे को एक अच्छी सी कोचिंग की ज़रूरत है। और मेरी जो बड़ी बहन है याशु यादव, वो मेरे से पहले CLC सीकर से सिलेक्ट हो चुकी थी, तो बस उसी के पीछे चलते चलते मैंने भी CLC सीकर में एनरोल करवाया था। 2022 में मैंने CLC सीकर में ज्वाइन किया था। 2 साल मैं वहाँ पर रहा हूँ, तो जर्नी जो है मेरी वो काफ़ी खूबसूरत रही है CLC स्टाफ के साथ। शुरुआत में जब गया था तो स्कूल पैटर्न से काफ़ी डिफरेंट था जो कोचिंग का पैटर्न होता है, तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगा मुझे। बट हमारी CLC की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो ज़्यादा मुश्किलें मुझे आई नहीं, तो स्मूथली जो है मेरा सिलेबस चलता रहा। 2 साल तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। हमारे टीचर्स जो हैं वो हर स्टेप पे हमें गाइड करते रहते थे कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसको फॉलो करना है, और कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट 2024 के अंदर। उसी को ही बस मैंने फॉलो किया और यही है कि मेरा रिज़ल्ट 715 इन्हीं की बदौलत आ पाया है। बाकी यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई तो चलती रहती है, बट साथ ही में हमारी CLC जो है वो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ इनको भी सपोर्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पर म्यूज़िक असेंबलीज जो होती हैं वो बॉस कंडक्ट करवाते हैं। शाम को असेंबली होती है तो उसमें भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है। जब यहाँ से गया था तो हनुमान चालीसा ऑफकोर्स नहीं आती थी मेरे को, वहाँ पर मैंने 9-10 दिन असेंबली अटेंड की, उसके बाद से मैं कंटिन्यू वहाँ पर जाने लगा। अब हनुमान चालीसा भी आने लगी है, तो ये एक प्लस पॉइंट CLC ने ही मुझे दिया है। बाकी वहाँ पर हमें जो है बाकी मशहूर लोग जो थे उन्हें से भी मिलाया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे मिलने IPS सर जो थे वो आते थे, जजेस जो थे उन्हें भी असेंबली में बुलाया जाता था, तो एक अलग लेवल का हमें मोटिवेशन भी वहाँ पर मिलता था। साथ ही में इस बार हमारे जो बड़े भैया हैं साहिल सर, बड़े भैया ही मानते हैं क्योंकि लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं, ऑफकोर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और नीट का जब पेपर था तो पेपर वाले दिन भी सुबह सुबह जब सेंटर के बाहर वेट कर रहे थे तो भैया का कॉल आया, इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस में था लेकिन इनसे बात करने के बाद वो स्ट्रेस भी जो था मेरा वो भी गायब हो गया और काफ़ी अच्छा मैं स्कोर कर पाया, तो थैंक्स टू हमारे साहिल सर। और बस बाकी तो ये है कि हमारी जो CLC में टेस्ट सीरीज़ चलती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि हमारी जो NCERT होती है उसमें काफ़ी सारी लाइनें थी जो मैं स्किप कर चुका था, लेकिन हमारे पेपर के थ्रू वो सारी लाइनें जो हैं मेरे सामने आती गई। तो जब NEET 2024 का पेपर आया ना तो शुरुआत में जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेस था, बाकी जैसे ही पेपर खोल के देखा ना मज़े आ गए सही में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो थे जितने भी सारे लगभग देखे से हुए थे, टेस्ट सीरीज़ में से लगभग सारे से रिपीट से ही थे, तो काफ़ी टाइम लगा नहीं, 3 घंटे का पेपर था 1.5-2 घंटे में निपटा दिया, लगातार आधे गए क्वेश्चन टिक 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 टिक, बस यही चलता रहा। बाकी जब निकले सेंटर से बाहर तो काफ़ी खुशी थी, CLC वालों से भी फिर फ़ोन आया, CLC टीम का भी काफ़ी उन्होंने भी बधाई दी, नंबर जोड़े सब। बाकी हमारे जो बॉस हैं वो एकदम हमें परिवार की तरह ही रखते हैं CLC में भी, वो ऐसे बोल सकते हैं कि वो हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली है जो हमें गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कैसे आपको चीज़ें करनी है। शिक्षा ही नहीं वो हमें संस्कार भी देते हैं। बाकी बॉस का भी हाथ बना रहा है मेरे ऊपर। बाकी मैं अपनी CLC टीम और अपने परिवार का ही थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मोटिवेटेड रखा है, लास्ट टाइम में डिप्रेस नहीं होने दिया है, बस थैंक यू आप सभी का। बिल्कुल तरुण, तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा तरुण कि आपके 12th का स्कोर क्या है? सर 12th बोर्ड का जो मेरा स्कोर रहा है वो 94.40% रहा है। बाकी मेरा जो दंगल का एवरेज था, मतलब जो टेस्ट सीरीज CLC करवाती है, वो 680 था, और सर ने कहा था कि बेटा दंगल के एवरेज से बढ़ के स्कोर आएगा, तो वही हुआ है मेरे साथ भी और मेरे जितने भी दोस्त थे उनके साथ भी, हम सभी का स्कोर जो है दंगल के स्कोर से तो बढ़ के ही आया है।